हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हिंदी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है, यानी अनामिका जिसकी रचना है यानी जिसका काव्य संग्रह है उसकी आपके नाम पूछा गया है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है निराला पंत, महादेवी वर्मा या प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ जो आपका पहला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रलेखा किसकी रचना है, यानी चित्रलेखा रचना है वो किसकी है, भगवती चरण वर्मा की, धर्मवीर भारती की, हरिवंश राय बच्चन की या कमलेश्वर की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर सही हो जाएगा। जो चित्रलेखा रचना वो किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी, यानी 11 वर्ष का समय एक कहानी है जिसकी रचना किसने की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, प्रेमचंद ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जयशंकर प्रसाद ने। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 11 वर्ष का समय का जो कहानी लिखी गई है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचना की गई है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो अगर आप देखिए तो शोक रस किसका स्थाई भाव है, करुण रस का। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें करुण रस है इन पंक्तियों में। तो यह सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमि घारो फोरी, सकहु मेरु मूसक जिमि तोरी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ देखिए उठाने की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड उठावो और फिर उसके बाद कह रहे हैं डारो फोरी। तो यहाँ देखिए क्या शक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा आपका, वीर रस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पूछ रहा है कि खद्दर कुर्ता भग भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, किसी की प्रशंसा की जा रही है, किसी की चाल की और उसके पहनावे की, क्या उसमें एक हास्य रस है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें खुशी जाहिर हो रही है कि अगर किसी की आप पहनावे को, किसी की चाल देखो, अगर आपको खुशी मिल रही है, आप हंस रहे हो कि देखो कैसा जैस इसकी चाल है, कैसा ये बालक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ, हास्य रस हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा वर्तनी वाला शब्द शुद्ध है, यानी सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जर्जरित, जर्जरित, जर्जित या जर्जरित। तो यहाँ जो होता है जर्जरित होता है, जर्जरित। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया, यानी जो हमारी भाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ये संविधान की किस धारा में कहा गया है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास 372, 343, 243 या 350। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 343। जो 343 धारा है उसमें क्या हुआ है, बताया गया है कि जो हमारी भाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि, मतलब जो हम लिखते हैं जैसे लिखते हैं हिंदी को वैसे। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या है, यानी आकाशगंगा है एक वर्ड जिसका पर्यायवाची आपको बताना है, मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी या ये सभी। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी ही आकाशगंगा का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाएगा, यानी जो धन को बेकार में ही खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे, व्ययी, धनिक, मित व्ययी या अपव्ययी। तो यहाँ आप राइट ऑप्शन बताइए कमेंट करके। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है उसे अपव्ययी कहते हैं, और जो धन को कंजूसी यानी जल्दी खर्च नहीं करता उसे कहते हैं मित व्ययी। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, लेकिन राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। फिर उसके बाद पूछ रहा है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, यानी जिसके सिग्नेचर नीचे अंकित है उसे क्या कहेंगे, अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षर करता या अनुमोदन। तो राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे हम कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता
तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या अनावृष्टि। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जब बरसात बिल्कुल नहीं होती तो हम उसे कहते हैं कि अनावृष्टि। कैसी कंडीशन है? अनावृष्टि, अभी तक बारिश नहीं हो रही थी लेकिन अब बारिश होने लगी है, जब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी तो उस कंडीशन को हम अनावृष्टि कहेंगे। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि उज्जवल में उपसर्ग बताइए, तो उज्जवल में सबसे पहले तो इसे आप क्या करें, विच्छेद कर लें कि उज्जवल का क्या होगा, उत प्लस ज्वल, उज्जवल, तो यहाँ उत उपसर्ग का यूज हुआ है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उप प्लस आसना यानी उपासना, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीतांबर। कर्मधारय क्या होता है, जहाँ विशेषण और विशेष की बात की जाए वहाँ आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा विशेषण विशेष की बात नहीं कर रहा, ई ऑप्शन विशेषण विशेष की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर में कर्मधारय, क्योंकि परम ईश्वर यानी ईश्वर क्या है, जो बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे है, परम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ तो विशेषण विशेष की बात कर रहे हैं। महान जन, जन कैसा है, महान है, विशेषण विशेष। पीतांबर, अंबर कैसा है, पीला है, तो यहाँ भी विशेषण विशेष, लेकिन यहाँ क्या है, भारत का वासी, ये किस कौन सा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि मनोहर में कौन सी संधि है, तो संधि विच्छेद कीजिए, मनोहर का हो जाएगा मनह धनहर। अब मनह जहाँ ये आपका विसर्ग वगैरह लगते हैं, कौन सी संधि बन जाएगी, विसर्ग संधि बन जाएगी, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद संतोष का सही संधि विच्छेद पूछा गया है, संतोष का संधि विच्छेद करिए तो समधनतोष होता है, ये माँ बन के ना हो जाता है, तो यहाँ भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा संधि विच्छेद है, ये आपका व्यंजन संधि है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि प्रत्येक किस प्रकार का उदाहरण है, इसका समास विग्रह कीजिए, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, तो प्रति क्या है, एक अवयव है, अवयव यूज हुआ है तो अवयवी भाव समास हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है त्रिभुज में कौन सा मास है, त्रिभुज यहाँ क्या नंबर की बात कर रहे हैं, और क्या नंबर की बात करें और ग्रुप में हो यानी ग्रुप दर्शाए, तो वहां आपका कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि त्रिभुज में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, सॉरी द्वंद्व समास नहीं, द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास कब होता है, एक मिनट, द्वंद्व समास कब होता है कि जब अपोजिट वर्ड यूज हो, जैसे माता पिता, दिन रात, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा, लेकिन जब ऐसे वर्ड यूज हो जिसमें नंबर्स की बात करें और वो ग्रुप फॉर्म करे, ग्रुप में हो, तो वो क्या कहलाएंगे, द्विगु समास कहलाते हैं। अव्ययी भाव में जब अव्यय होता है तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष में जब का, की, के, से ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो तत्पुरुष समास का यूज होता है। फिर उसके बाद पूछ रहे कि पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता, सूर्य, पंछी, कीट या घोड़ा, तो यहाँ राइट ऑप्शन बताइए कि यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पतंग का अर्थ घोड़ा नहीं होता, जबकि सूर्य होता है, पक्षी होता है, कीट भी होता है। कि अरे पतंग, आपने कई बार मुहावरे सुने होंगे जहाँ कीट के अर्थ में प्रयोग हुआ हुआ है, तो यहाँ पतंग का जो अर्थ नहीं होता है वो है घोड़ा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के भी आप पे। फिर आपसे पूछ रहे कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाजी, तुरंग, हरी, करीवर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो करीवर है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो बाकी वर्ड है वो सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या करना है, आपको सही सुमिलित नहीं है जो उसे फाइंड आउट करना है, इहलोक, परलोक सही सुमिलित है, उच्च निम्न क्या है, ये अपोजिट है, ये भी सही सुमिलित है, सगुण निर्गुण ये भी सही है, लेकिन गुप्त रहस्य, ये तो एक ही जैसा हो गया ना, रहस्य को गुप्त रखा जाता है, लेकिन यहाँ कोई अपोजिट तो नहीं, बाकी सब अपोजिट यूज हुए हैं लेकिन ये अपोजिट यूज नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये सही मैच नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं, उससे पूछ रहा है जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए, जिसका तेज समाप्त हो गया यानी निस्तेज, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है, विस्मय बोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसने सोचा होगा, यानी हम क्या कह रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, अरे उसने सोच लिया होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद मुहावरा आपसे पूछा गया कि आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है, क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना या घर जलाना,
तो आग में घी डालना मतलब होता है कि कोई क्रोधित व्यक्ति है, उसको आप थोड़ी थोड़ी और बुराई करके क्या कर रहे हो, उसके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि क्रोध को और बढ़ाना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है प्रवास करने वाला एक के लिए एक शब्द कौन सा है, प्रवास करने वाला यानी प्रवासी, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी तीन शुद्ध हैं, एक अशुद्ध वही आपको फाइंड आउट करना है। यथोचित ये बिल्कुल सही है, वात्सल्य बिल्कुल सही है, वांछनीय भी सही है, लेकिन प्रफुल्लित नहीं होता, प्रफुल्लित होता है, यहाँ आधा ल यूज होगा तब जाके ये वर्ड शुद्ध होगा। इस वजह से ये क्वेश्चन के बिहार पे ये वाला ऑप्शन सही है कि प्रफुल्लित जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है, प्रफुल्लित होना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा है कि जलनिध किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ यौगिक योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ जल प्लस निधि जलनिधि, तो यहाँ यौगिक शब्द हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है ये आपको बताना है। अध्ययन अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। फिर उसके बाद लिखा आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। इकाई नहीं होता, इकाई होता है, तो ये भी गलत हो जाए। अनुकूल ये एकदम सही लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन के बिहार पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से पूछ रहा है कि अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी अल्पायु का जो विपरीत अर्थ होता है वो क्या होता है। अल्पायु मतलब छोटी आयु, कम आयु, और इसका अपोजिट हो जाएगा ज्यादा आयु। फिर उसके दीर्घ आयु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक जीवित, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका जो ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा दीर्घायु। अल्पायु मतलब कम उम्र, कम आयु तक जीने वाला, और दीर्घायु मतलब अधिक आयु तक जीने वाला, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से पूछ रहा है प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या है, प्राण का विपरीत अर्थ का जो शब्द है वो कौन सा है। प्राण मतलब ये आप में जीवन है, आपकी सांसें चल रही हैं। अब निष्प्राण इसका विपरीत क्या हो जाएगा कि आप में की सांसें नहीं चल रही, आप जीवित नहीं है, यानी निष्प्राण बिना प्राण का, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्राण का विपरीत अर्थ होता है, विपरीत अर्थक जो शब्द है वो है निष्प्राण, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद पूछ रहे हैं कि कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए, पिस्तौल जो है क्या है, एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, यानी सजाना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, सजा, सजावट, सजावा या सजावटी, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सजावट, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी आपकी सजावट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, तो मिठास क्या है, एक भाव है, एक इमोशन है, आप एक्सप्लेन थोड़ी ना करते हैं कि मिठास क्या होती है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसे, आप क्या कहते हैं, फील करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहे हैं कि दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए तुलना वर्ड का यूज हुआ है, तुलना करने वाले विशेषण यानी तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा, तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें तुलनात्मक विशेषण की बात की गई है इस स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है, यानी जवाहर जो ये वर्ड है वो किस भाषा का मूल वर्ड है, हिंदी का, संस्कृत का, फारसी का या अरबी का, तो राइट ऑप्शन बताइए, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जवाहर शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि उत्तधन लंघन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि उल्लंघन जो इस तरह लिखा जाता है वो एकदम राइट होता है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उल्लंघन, उत प्लस लंघन की संधि से जो मिलेगा वो बनेगा उल्लंघन, और ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एक अकर्मक क्रिया है, निशांत दौड़ रहा है, तो ये इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक, तो राइट ऑप्शन बताइए इसका क्या है,
अपादान कारक, क्यों? क्योंकि जब निकलने की बात होती है तो वहां अपादान कारक का यूज होता है, तो इस स्टेटमेंट में अपादान कारक इस्तेमाल हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सागर का पर्यायवाची है, जनार्दन, अपगा, अर्णव या मुकुंद, तो राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सागर का जो पर्यायवाची है वो है अर्णव, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी मैं कई बार आपको रिपीट करा चुकी हूँ, तो आप सीरीज जरूर देखिए, जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई हुई है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। तो यहाँ जो आपको ये अर्धस्वर हो जाएंगे वो हो जाएंगे या और वा, या और वा को हम अर्धस्वर कहते हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, बचपन, यहाँ पन प्रत्यय यूज हुआ है, अपनापन, यहाँ भी पन प्रत्यय यूज हुआ है, लड़कपन में भी पन प्रत्यय यूज हुआ है, लेकिन जलमय में कोई प्रत्यय पन प्रत्यय नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, अनुपयोगी मतलब बिना उपयोग का, यही तो अर्थ हो जाएगा इसका। अनुपयोगी मतलब किस जिसका उपयोग ना हो, इसका विलोम यानी जिसका उपयोग हो, अनुपयोगी का क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त कारक, प्रयुक्त समास है, तो महात्मा का पहले समास विग्रह कीजिए, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, तो आत्मा की क्या प्रशंसा की जा रही है कि ऐसी आत्मा जो महान है, यहाँ क्या कह रहे हैं, विशेषण विशेष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसमें कर्मधारय समास का यूज हुआ है, जब आपको समझ ना आया करे तो समास विग्रह कर लीजिए। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं गंगा जल में किस समास का उदाहरण है, यानी किस समास का यूज हुआ है, तो गंगा जल का समास विग्रह कीजिए, तो इसका हो जाएगा गंगा जल यानी गंगा का जल, मैंने आपको बताया का की के जो वर्ड यूज होते हैं तत्पुरुष में यूज होते हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मुहावरा पूछा गया है, इसे पूछा गया कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना या मर जाना, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कलेजा ठंडा हो गया यानी संतोष मिल गया, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि सब धन 22 पसेरी लोकोति का सही अर्थ क्या है, अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जाना, गरीब होना, संतोष करना, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सब धन 22 पसेरी यानी अच्छा बुरा सबको समान समझना, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, अब यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा अच्छी गुणों से युक्त है, या रेखा गुणों से सुंदर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। सुंदर की जहां बात करें तो सुंदर नहीं, गुड़ सुंदर बुरे कहाँ होते हैं, गुड़ तो अच्छे बुरे होते हैं, सुंदर गैर सुंदर कुरूप ये सब तो गुड़ होते नहीं है, अच्छे गुड़ होते हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि रेखा अच्छे गुड़ों से युक्त है, तो यहाँ ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इस क्वेश्चन के भी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, जब आपस की बात कर रही तो परस्पर कहाँ से आ गया, और जब परस्पर की बात कर रही तो आपस कहाँ से आ गया, ये दोनों में से कोई एक ही होगा, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, परस्पर मतलब आपस में झगड़ते हैं, लेकिन ये दोनों का एक साथ यूज नहीं होगा, इस वजह से यहाँ जो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमा ने मिठास्ता से भरी गीत गाया, मिठास्ता से भरी गीत गाया, गीत थोड़ी ना उसमें मिठासता या स्वीटनेस भरी होगी, क्या लगेगा, ये तो स्वीट लगेगा यानी अच्छा लगेगा, मधुर लगेगा, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि रमा ने मिठास भरा गीत गाया, मिठासता से यहाँ मिठासता क्या हो जाएगी, मिठास तो समझ लो कि विशेषण है, लेकिन मिठासता वो अलग ही वर्ड हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो भी हिंदी प्रैक्टिस के सेट के, और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी क्वेश्चंस आप मत छोड़िए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि काफी दिन आपके पास नहीं बचे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।